साथियों कोई इंसान हो या संस्थान जब उसके संकल्प देश के लिए होते हैं तो उसकी सफलता भी देश की सफलताओं से कदम मिलाकर चलती है कभी डीयू में केवल तीन कॉलेज थे आज नब्बे से ज्यादा कॉलेज है कभी भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल के लिस्ट में थी खस्ता हाल थी आज भारत दुनिया की टॉप फाइव इकोनॉमीज में शामिल हो चुका है आज डीयू में पढ़ने वाले लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई है इसी तरह देश में भी जेंडर रेशियो में काफी सुधार आया है यानी शिक्षण संस्थान की जड़ें जितनी गहरी होती हैं देश की शाखाएं उतनी ही ऊंचाइयों को छूती है और इसलिए भविष्य के लिए भी यूनिवर्सिटी और देश के संकल्पों में एक रूपता होनी चाहिए इंटरकनेक्शन होना चाहिए 25 साल बाद जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा तब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना के 125 वर्ष मनाएगी तब लक्ष्य था भारत की स्वतंत्रता अब हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण पिछली शताब्दी के तीसरे दशक ने अगर पिछली शताब्दी के इतिहास की तरफ नजर करें तो पिछली शताब्दी के तीसरे दशक ने स्वतंत्रता संग्राम को नई गति दी थी अब इस शताब्दी का यह तीसरा दशक भारत की विकास यात्रा को नई रफ्तार देगा आज देश भर में बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाए जा रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में आईआईटी आईएम एनआईटी और एम जैसी संस्थाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है ये सभी इंस्टीट्यूट्स न्यू इंडिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं